आजा निकालू तेरा दोगलापन। नेहा ने अपनी जिठानी की एनिवर्सरी पर एक बहुत ही शानदार पार्टी रखी थी। जिठानी के लिए देवरानी के इस प्यार की तारीफ करते लोग थक नहीं रहे थे। तभी नेहा सामने की स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाती है जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। बड़ी सावित्री बनती थी और ये है इनकी असलियत, देख लो। समाज के सामने ज्ञान और पीछे स्विमिंग पूल में स्नान। ये कैसे कपड़े पहने हैं बहू तूने? बंद करो टीवी, बंद करो, कोई पार्टी नहीं हो रही यहाँ। आप लोग अपने घर जाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पर टीवी स्क्रीन पर ऐसा क्या दिखाया गया था और कौन थे ये लोग, तो जानने के लिए शुरू करती हूँ आज की कहानी, जो शुरू होती है प्रियंका के ससुराल से। अपने कमरे में बैठी प्रियंका अपनी माँ से काफ़ी देर से फ़ोन पर बात करती हुई अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। तुम तो गवाओ मम्मी, क्या चढ़ाया था इन लोगों ने शादी में मुझे, फूक से उड़ जाए ऐसे हल्के गहने, और इस नेहा को भर भर कर गहने दिए गए, 4 फुल शीट वो भी इतनी महंगाई में और डायमंड के बूंदे अलग से। पर उससे भी इनका जी नहीं भरा तो इसे थाईलैंड हनीमून पर भेज दिया। 5 दिन पहले तो आई है महारानी और अब मम्मी जी के साथ बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है। अरे तू क्यों परेशान होती है पगली, यही तो मौका होता है घर में ऊंचे बड़े बनने का। पहले तो इकलौती बहू थी तू, कितना भी अच्छा कर लेती किसी की नज़रों में नहीं आता। पर अब तुझे ना इस अच्छे बनने की होड़ में नहीं पड़ना बेटा, बस एक काम करना, हर काम में अपने देवरानी को नीचा दिखाना है। तेरा हो गया काम? अरे वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया। जब खुद आगे ना बढ़ सको तो दूसरे को नीचे गिरा दो। अब देखना आपकी बेटी क्या कमाल करती है। और प्रियंका जो अब तक नेहा से चिढ़ी बैठी थी, बाहर जाकर उसे ज्वाइन कर ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर देती है। दिखा दिखा नेहा, क्या क्या लिया तूने? ये मेरे लिए पिंक कलर की साड़ी, ये सुनील जी के लिए ब्लेजर और ये मम्मी जी के लिए ब्लू कलर की साड़ी। अभी थोड़ी शॉपिंग बाकी है भाभी। पसंद तो तेरी अच्छी है नेहा, पर माँ के लिए नीली साड़ी, तुझे पता होना चाहिए माँ की कुंडली में राहु दोष है, उसमें अगर उन्होंने नीले रंग के कपड़े पहन लिए, भगवान ना करे, मुझे नहीं लगता उसके बाद वो अपने पोते पोतियों का चेहरा भी देख पाएंगी। क्या मेरी कुंडली में राहु का दोष है और आज तक मुझे पता ही नहीं था? ऐसे ही आपको शुगर बढ़ा रहता है। ये सब बात कर मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी मम्मी जी। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, मैंने उपाय करवा दिया है, पर छोटे मोटे प्रिकॉशन हैं वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे। और हाँ नेहा, मेरे लिए ना कुछ शॉपिंग मत करना, अभी शादी में पहले इतना खर्च हुआ है, मैं इन पर ना और बर्डन नहीं डालना चाहती। बात तो बिल्कुल सही कर रही है बहू तू। अरे बंद कर ये सब नेहा, कुछ नहीं लेना हमें। अपनी सास के सामने अच्छा बनकर प्रियंका किचन में आ जाती है। मानना पड़ेगा इस नेहा को, क्या धांसू सेल में कपड़े ले रही थी। मैं अपने लिए जल्दी से 2-4 कपड़े ऑर्डर कर लेती हूँ। अपने लिए 4-5 कपड़े ऑर्डर करने के बाद प्रियंका का जी कुछ खाने को करता है। एक काम करती हूँ, प्याज के पकौड़े बना लेती हूँ, वैसे भी सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, अपने हिसाब से बनाऊँगी और कमरे में जाकर खा लूँगी, यही सही है। पकौड़े खाकर प्रियंका पहले ही पेट भर लेती है। अब रात का खाना खाने को उसके पेट में जगह ही नहीं बचती। रात को नेहा सभी के लिए आलू प्याज की सब्जी बनाती है। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए प्रियंका कहती है, प्याज प्याज बना लिया नेहा तूने? बताओ ये आजकल के बच्चे, माना तुझे प्याज पसंद है पर शादी के बाद कम से कम 1.25 महीना तो रुक जाती। अब बच्चों ने तो गलती कर दी, मैं नहीं कर सकती, तुम लोग खाओ, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी। ये हुई ना बात, पेट तो मेरा ऐसे ही भरा हुआ है, अब सबके सामने ना खाकर अपनी इमेज अच्छी कर लूँगी। भाभी ठीक कह रही है नेहा, हम कितने भी मॉडर्न हो जाए कुछ चीज़ें तो ध्यान में रखनी चाहिए, मैं भी ये सब्जी नहीं खाऊँगा। भाभी आप मुझे अचार ला दो। अब तक नेहा के लिए जो ससुराल मायके से भी अपना था, आज उसी ससुराल में उसे पराया सा महसूस हो रहा था। नेहा को सबकी नज़रों में गिराने के लिए प्रियंका इसी तरह उसे हर वक्त बड़े प्यारे तरीके से नीचा दिखाती रहती। अगली सुबह, पता है मम्मी जी मुझे तो ये घूमना धामना बिल्कुल भी सही नहीं लगता, बेकार में पैसे खर्च होते हैं, पर कल ही मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था जब हम बाहर घूमकर आते हैं तो हमारे शरीर में बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे ना बीमारी का खतरा 80% तक कम हो जाता है। ये तो बेचारे हमेशा काम में ही लगे रहते हैं, न जाने कब इन्होंने आखिरी छुट्टी ली थी, इसलिए मैं तो सोच रही हूँ कि ये और मैं कहीं घूम कर आ जाए, अगर आपको ठीक लगे तो। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बहू, जा जा। और हाँ मम्मी जी,
आपके पास कुछ भी सोने का होगा क्या? आपने जो मुझे शादी में गहने चढ़ाए थे ना, वो तो काफ़ी भारी हो जाएंगे। मुझे कुछ हल्का ही चाहिए। क्या है ना, अगर घर की बहुएं सोना पहनती हैं तो घर में ही बरकत आती है ना। अरे रुक, मैंने नेहा की शादी में बहुत सारे गहने चढ़ाए थे, उसे आने दे, अभी उससे एक दो गहने तुझे दिलवा देती हूँ। और तभी माथे पर तौलिया लपेटे नेहा बाथरूम से बाहर आती है। हे भगवान, आज सर धो लिया तुमने? ये आजकल के बच्चे भी ना मम्मी जी, सुबह से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, पर मैंने सर नहीं धोया क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। यहाँ मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ उपाय कर रही हूँ कि घर में बरकत बढ़े, और तूने सर धोकर सब पे पानी फिर दिया। बाथरूम में शैम्पू का फटा पैकेट देख लिया था मैंने भाभी, मतलब सर तो आपने भी धोया है। बहुत दिन बर्दाश्त कर लिया मैंने ये आपका दोगलापन, अब आप मेरा असली रूप देखेंगी। अब नेहा बिल्कुल होशियार हो जाती है और अपनी जिठानी की हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर देती है। एक रोज़ जब नेहा हॉल में बैठी थी, दरवाजे पर उसकी जिठानी का पार्सल आता है। प्रियंका के नाम से है पार्सल, पर हमने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, इसमें क्या है भैया, आप बता सकते हैं? खोल कर तो नहीं देखा मैंने, पर हाँ इसमें कपड़े होने चाहिए। मतलब मेरी शॉपिंग बिगाड़ कर भाभी खुद कपड़े खरीद रही हैं। प्रियंका का पार्सल नेहा अपने कमरे में रख लेती है। पार्सल की डिलीवरी डेट पार होने के बाद भी पार्सल न पाकर प्रियंका अपसेट हो जाती है। यहाँ पार्सल तो डिलीवर दिखा रहा है पर घर पर तो आया ही नहीं। एक टेंशन ख़त्म होता नहीं कि दूसरा टेंशन लग जाता है। ऑनलाइन पेमेंट भी कर चुकी हूँ। तभी नेहा वहाँ आकर अपनी जिठानी की फिरकी लेते हुए कहती है, कोई बात हुई है क्या भाभी जी, आप तो बड़ी टेंशन में लग रही हो। हट पागल, जिसकी तेरे जैसे देवरानी हो उसे किस बात की टेंशन। एक हफ्ते बाद जब प्रियंका और प्रेम घर से बाहर गए थे, नेहा कहती है, भाभी हम सबके लिए कितना कुछ करती हैं, हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। कल उनकी एनिवर्सरी है तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं एक सरप्राइज पार्टी रखूँ भैया और भाभी के लिए। सच्ची नेहा, आई लव यू यार। आजकल मैं कितनी गलतियाँ कर रही थी, एक तरफ ये भाभी के लिए सॉरी भी हो जाएगा ना। और अगले दिन नेहा अपनी जिठानी के लिए अपने घर पर एक सरप्राइज पार्टी रखती है। इसमें वो अगल बगल वालों के साथ अपनी जिठानी के मायके वालों को भी इन्वाइट करती है। शाम के वक्त वही ड्रेस पहनकर वो कमरे से बाहर आती है जो उसकी जिठानी ने अपने लिए ऑर्डर की थी। ये तो वही ड्रेस है जो मैंने खुद के लिए ऑर्डर की थी, ये नेहा के पास कैसे आ गई? आप सभी तो जानती हैं मेरी भाभी कितनी अच्छी कितनी सीधी सादी है। आज के मॉडर्न ज़माने में इतने नियम कायदों को मानने वाली बहू मिलना इस घर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, इसीलिए मैंने उनके लिए एक छोटा सा क्लिप तैयार किया है। ये कहकर नेहा टीवी स्क्रीन पर एक क्लिप चलाती है। क्या उल्लू बनाया मैंने सभी को कि प्याज नहीं खाना, और खुद प्याज के पकौड़े खा रही हूँ, मज़ा आ गया भाई। जल्दी से हेयर ड्रायर से बाल सुखा लेती हूँ, वरना किसी ने देख लिया कि मैंने बृहस्पतिवार को शैम्पू किया है तो मेरी अच्छी खासी बनी बनाई इमेज ख़राब हो जाएगी। और वीडियो यहीं ख़त्म नहीं होता। साड़ी पहनकर प्रियंका मॉल के वॉशरूम में जाती है और बाहर मिनी ड्रेस में आती है। बड़ी सावित्री बनती थी और ये है इनकी असलियत, देख लो, समाज के सामने ज्ञान और पीछे स्विमिंग पूल में स्नान। ये कैसे कपड़े पहने हैं बहू तूने? बंद करो टीवी, बंद करो, और कुछ देखने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है। कोई पार्टी नहीं हो रही यहाँ, आप लोग अपने घर जा सकते हैं। और ये था मेरी प्यारी भाभी का दुगलापन जो आप सभी के सामने अच्छा बनने का ड्रामा कर रही थी। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि भाभी अपने मन मुताबिक जी रही हैं, पर आप लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए वो मेरी हर चीज़ को बुरा बता रही थी और पीठ पीछे खुद वही कर रही थी। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, तेरी देवरानी तेरी बहन की तरह ही तो है। खैर अब तुझसे गलती हो गई सो हो गई, भूल जा। पर मम्मी मैं वो बार बार छोड़, अगली बार मत करना ऐसा। ये आपके घर का मामला है समधन जी, मैं चलती हूँ। मुझे आपका प्यार चाहिए था मम्मी जी, मुझे नेहा से कोई जलन नहीं थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे बहू कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात भी नहीं, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजा आजा बेटा। अपने आंसू बहाकर प्रियंका अपनी सास के गले लग जाती है और पीछे खड़ी अपनी देवरानी को आंख मार देती है। इतनी जल्दी हारूंगी नहीं देवरानी जी। आजा तेरा दोगलापन फिर निकालूं। विकास एक बहुत मेहनती और शरीफ लड़का है,
उसकी पत्नी प्रिया और माँ गीता हर समय लड़ती रहती हैं, लेकिन वो बेचारा ना तो माँ को समझा पाता है और ना ही पत्नी को। उन दोनों की लड़ाई में नुकसान हमेशा विकास का ही होता है। एक दिन विकास थका हारा ऑफिस से घर लौटा। प्रिया, चाय बना दो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। अपनी माँ से कह दो, बना देंगी, वैसे भी तो दिन भर खाली बैठी रहती हैं। माँ, आप ही चाय बना दो ना। पत्नी के बोलते ही माँ के पास आ जाता है। तेरी पत्नी के हाथ में मेहंदी लगी है क्या? बोल उसे, वो क्यों नहीं बनाती? आप दोनों से बोलकर ही गलती कर दी मैंने, मैं ही बना लेता हूँ चाय। बस ये बता दो, आप दोनों को पीनी है या नहीं? बेचारा विकास थका हारा ऑफिस से आया और चाय बनाने किचन में घुस गया। चाय बनाते बनाते वो सोचने लगा, क्या किस्मत है मेरी, कोई चाय तक पूछने वाला नहीं। ऑफिस से थके हारे आओ और खुद चाय बनाओ। हे भगवान, ये दोनों कब सुधरेंगी? विकास चाय बनाकर ले आता है, तीनों चाय पीते हैं। चाय पीकर प्रिया ने कहा, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने, मजा आ गया। आज बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी चाय पी है। हाँ, देख ले ऐसे बनती है चाय, तेरी तरह नहीं, पानी उबाल कर दे दिया बस। अरे कुछ सीख ले मेरे बेटे से। मैं जी, आप ही सीख लो ना कुछ, आप भी तो ऐसी चाय बनाती हो जैसे कौड़ा बना दिया हो। अरे अरे, फिर से शुरू हो गई आप दोनों। मैंने चाय आप दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए बनाई थी, लेकिन आप दोनों किसी ना किसी तरह लड़ाई करने के बहाने ढूंढ ही लेती हो। वैसे कल मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, इसलिए आप दोनों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि कल घर में मुझे किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं चाहिए। विकास ने अपनी पत्नी और माँ को समझा तो दिया, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं था कि उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस ही ना हो। जैसे ही सुबह विकास की आंख खुली तो घर में जंग हो रही थी, और आज उस जंग का विषय था, कपड़े कौन धोएगा? माँ, प्रिया, आप दोनों को कल समझाया था ना कि लड़ाई नहीं लड़नी है, मैं अपने घर में एक दिन चैन से रहना चाहता हूँ, ये बात क्यों नहीं समझ में आती आप दोनों को? अच्छा जी, मैं कहाँ लड़ रही हूँ, आपकी माँ ही हर समय सर पर सवार रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। अरे तो चले ही जाना, तुझे रोका किसने है? तेरे जाने से मुझे और मेरे बेटे को थोड़ा चैन तो मिलेगा। और नहीं जा सकती ना तो बता दे, मैं ही ये घर छोड़ देती हूँ। बस करो माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं ये घर जरूर छोड़ दूंगा। अब ये बताओ, लड़ाई किस बात पर हो रही है? अरे मैं सुबह से किचन में काम कर रही हूँ, और अभी दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है, लेकिन माँ जी मेरे पीछे पड़ी है, कपड़े धोले कपड़े धोले। अरे इतना ही बुरा लग रहा है तो आप खुद धो लो ना। हाँ हाँ, धो लेती, तेरी तरह काम चोर नहीं हूँ मैं, लेकिन सुबह से घर की साफ सफाई कर रही हूँ, अब कपड़े नहीं धो सकती। मेरी कमर में वैसे ही दर्द रहता है, कपड़े धोकर अपने लिए और मुसीबत खड़ी नहीं करनी है मुझे। जब माँ और पत्नी का झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया तो दुखी होकर विकास ने कहा, चुप रहो आप दोनों, चुप रहो, मैं हूं ना, आज मैं कपड़े धोऊंगा। माँ आप घर की सफाई करो, और प्रिया जाओ तुम किचन में खाना बनाओ। बेचारा विकास कपड़े धोने चला गया। कपड़े धोते हुए सोचने लगा, क्या दिन आ गए, कपड़े धोने पड़ रहे। अगर मेरे दोस्तों को या ऑफिस में किसी को पता चल गया कि मैं घर पर कपड़े धोता हूँ, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सोचा था आज ऑफिस की छुट्टी है, आराम करूंगा, लेकिन इस घर में आराम कहाँ। विकास के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वो जब भी ऑफिस से घर आता या घर से ऑफिस जाता तो उसकी माँ और पत्नी लड़ना शुरू कर देती। उनकी लड़ाई को शांत करने के लिए उसे कभी बर्तन धोने पड़ते तो कभी खाना बनाना पड़ता। एक दिन विकास ऑफिस में बहुत परेशान बैठा था कि तभी उसका दोस्त शिव उसके पास आया और बोला, क्या हुआ विकास, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं तुझे, क्या करेगा जानकर। बता दे क्या बात है, क्या पता मैं तेरी कोई मदद ही कर दूं। शिव के बार बार कहने पर विकास ने उसे सारी बात बता दी। यार मेरी बीवी और माँ दोनों आपस में लड़ती रहती हैं,
उनके बीच लड़ाई ना हो इसके लिए मैं उनके साथ घर का काम करवाता हूँ। समझ में नहीं आता दोनों को कैसे समझाऊं। अगर दोनों में से किसी से भी कुछ बोलता हूँ तो घर छोड़ने की धमकी देकर मुझे चुप करा देती है। समस्या तो बहुत गंभीर है लेकिन इसका समाधान है मेरे पास। अब तेरे घर में जब भी लड़ाई हो तू मुझे बता देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। शिव ने विकास को सारी बातें समझा दी। शाम को विकास घर पर पहुंचा तो वहां पहले से ही लड़ाई का माहौल था। क्या हुआ माँ, आज किस बात पर लड़ाई हो रही है? तेरी कामचोर पत्नी ने आज सुबह से बर्तन नहीं धोए। मैं बोल रही हूँ बर्तन धोने के लिए तो मुझसे लड़ रही है। और बेटा अब तू बिना मुझसे लड़ने मत लग जाना, नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ प्रिया, क्या है ये सब, तुम क्यों माँ से झगड़ रही हो? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो दिन भर काम में लगी रहती हूँ। अपनी माँ से पूछो, जब तक मुझसे लड़ नहीं लेती ना इनके दिन की शुरुआत नहीं होती। और अब अगर आपने ज्यादा सवाल जवाब किया ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ जब दोनों की लड़ाई हद से बढ़ गई तो विकास ने शिव को फोन किया। शिव अपने साथ दो औरतों को ले आया। आप दोनों हमेशा लड़ती क्यों रहती हो, और आप दोनों को कुछ समझाओ तो समझ में नहीं आता, और ऊपर से घर छोड़ने की धमकी अलग से देती हो। अब एक काम करो, आप दोनों अपना अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। मैं अपने लिए नई पत्नी और नई माँ ले आया हूं। नई माँ और नई पत्नी की बात सुनकर गीता और प्रिया हैरान हो गई। गीता तुरंत बोली, हाय हाय बेटा, नई पत्नी तो लोगों को अक्सर लाते देखा है लेकिन ये नई माँ कहाँ से ले आया? बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ, ओरिजिनल। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आप दूसरी पत्नी ले आए? आप तो प्यार के बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आप दोनों हर समय लड़ती रहती हैं और दोनों के साथ घर का काम मुझे करना पड़ता है, ऊपर से आप दोनों हर समय घर छोड़ने की धमकी देती रहती हो। और क्या करता मैं, आप दोनों ने मेरे सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। लेकिन ये दोनों बिल्कुल ऐसी नहीं है, ये दोनों बहुत अच्छी हैं, आपस में कभी नहीं लड़ती और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। अब या तो तुम अपनी पुरानी माँ और पत्नी से बोल दो कि ये घर छोड़कर चली जाए, या फिर तुम ये घर छोड़ दो, तुम अपनी नई पत्नी और नई माँ के साथ मेरे घर में रह सकते हो दोस्त। जब बहुत बोलने के बाद भी गीता और प्रिया घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई तो विकास घर छोड़कर जाने लगा। विकास मेरे बच्चे, बुढ़ापे में अपनी माँ को छोड़कर मत जा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। आज के बाद मैं कभी भी बहू से नहीं लड़ूंगी, मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। मुझे भी माफ कर दो, अब मैं कभी भी माँ से या आपसे घर का काम नहीं करवाऊंगी और ना ही मैं लड़ूंगी। सारी बात ठीक है लेकिन ये जो आप दोनों बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देती हो उसका क्या? प्रिया और गीता एक साथ बोल पड़ती हैं। नहीं नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। माँ और पत्नी के इतना रोने पर विकास ने उन्हें माफ कर दिया और शिव उन दोनों औरतों को वहां से लेकर चला गया।